मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू ने सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ एक साथ 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। मामले में कंपनी के डायरेक्टर समेत 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। कंपनी ने निवेश के नाम पर लोगों से लाखों जमा करा लिए और लौटाने की बारी आई तो कंपनी के कर्ता धर्ता फरार हो गए। आरोपियों ने अलग अलग योजनाओं में लोगों को निवेश कर 2 से 4 गुना तक लौटाने का वादा किया था। ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि सहारा इंडिया कंपनी ने निवेश के नाम पर लोगों के साथ ठगी की है। कंपनी ने 4 योजनाएं लोगों को बताई थी और दावा किया था कि इसमें निवेश करने पर 2 से 4 गुना तक मुनाफा होगा। लालच में आकर लोगों ने निवेश कर दिए। बताया गया है कि अभी तक तकरीबन 38 लाख रुपए के अमानत में खयानत का खुलासा हो चुका है। अभी तक कुल 32 निवेशकों ने शिकायत की है। क्राइम फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अपराधी कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो, गुंडे कितने भी बेखौफ, अगर आप है सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी वारदात। हम करेंगे आपको अलर्ट कि क्राइम से पहले क्राइम फर्स्ट। देखिए क्राइम फर्स्ट, मिशन अगेंस्ट क्राइम, सिर्फ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर।